लहर का तो मुझे व्यक्ति से पता नहीं, लेकिन टोंक जिले में हमारा 10 साल पहले हमने बड़ी उम्मीद से इस बात के लिए वोट दिया था कि ये नया बंदा आया, चेंजिंग आएगी। जहां हम 2010 में 2014 में खड़े थे, हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। और हमने दोनों यहाँ के लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मौका दे के देखा। सचिन पायलट यहाँ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, अब उनकी क्या लड़ाई हुई गहलोत जी से, क्या नहीं हुई ये वो जाने, लेकिन उनका वो मुख्यमंत्री बनना भी यहाँ में कोई असर नहीं दिखा। और 2014 से दो बार टोंक के लोगों ने एक ही पार्टी के आदमी को एमपी बनाया, उसका भी हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखा। वहीं पर जहाँ से हम चले थे, बेरोजगारी और वो जो स्टैंड था, वही स्टैंड कर रहे हैं। ने दो बार सांसद बनाया, सिर्फ हम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, अगर उनको मैं अलग रख दूं तो इतने सारे लोग हैं तो उन्होंने भी कुछ सोचकर बनाया होगा। इतनी वो उम्मीद से वोट दिया था ना, मोदी जी टोंक आए थे, उनने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्होंने कहा था, नारा भी टोंक से दिया था, लेकिन ग्राउंड पे कहीं दिखा नहीं। यहाँ कोई हमारे ट्रेन आती, फैक्ट्री आती, इंडस्ट्री आती, यूनिवर्सिटी आती तो कुछ दिखता। मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ पूरे इंडिया में मोदी ने काम किया है, लेकिन टोंक में, टोंक जिला इस बात से आपको मौका दिया, लोगों ने दो बार दिया है और पार्टी ने तीसरे बार भी दिया है, रिजल्ट कहीं नहीं दिखा। वो नहीं, इनसे भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन मेरा एक और सवाल है, मैं पहले उसका जवाब दे दीजिए। चलिए, केंद्र की हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए, सचिन पायलट फिर से विधानसभा पहुंच गए, तो विधायक और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, उधर से भी कुछ मिला कि नहीं मिला? वो वहां से भी कुछ नहीं मिला, वो आपस में लड़ने में रह गए। तो उस पर जो हालांकि पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक जो है वो एक यहाँ के जो ये नवाबी स्टेट रहा है, कि एक शेर याद आता है कि जो हिजर कर गए वो मुहाजिर हो गए, हम ठिकाने पर रहे फिर भी गैरहाजिर हो गए। यहाँ के लोगों ने कांग्रेस में विश्वास किया, कांग्रेस में विश्वास करके सचिन तेंदुलकर को इतने सारे, सचिन पायलट को इतने सारे वोटों जिता दिया, बीजेपी भी विश्वास करके जोनापुरिया को भी जिता दिया, लेकिन ढाक के तीन पात, दोनों ने कुछ भी नहीं दिया। ये कांग्रेस वाले बुरा माने चाहे बीजेपी भी बुरा माने, अगर यहाँ फैक्ट्री आती, इंडस्ट्री आती, रेल आती, मेडिकल कॉलेज आती, आप लोगों को रोटियां बना रहे हो, रोटियां बांट के। हम हमारे मेहनती हैं, यहाँ के लोग भिखारी नहीं है, इंडस्ट्री जाती, यहाँ का लोग कमाता, खुद की मेहनत से खाता, हम किसी की भीख, जो भीख में रोटी मिलती है ना वो अच्छी नहीं होती है। तो ये सवाल मैं एक चीज और मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, आप कांग्रेस बीजेपी दोनों के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा अपना सवाल है। देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, विधानसभा में भी मैं पूरे राजस्थान में घूमा, अभी भी मैं घूम रहा हूँ, और भी राज्यों में मुझे जाना है। तो जब नेता आते हैं आप लोगों के बीच, तो नेता को घेर के ये सवाल क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अरे अगर कोई तो सब हाथ मिलाने माला पहनाने में लगे रहते हैं। कोई आदमी ईमानदार से पूछ ले तो कांग्रेस वाले भी ठोके, बीजेपी वाले भी ठोके, जो इनके दलाल है ना, पैसे ले रहे हैं, वो पीटे उस आदमी को, ईमानदार से बोलने वाले को। मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन हमने वोट दिया है बीजेपी के लोगों, कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया कांग्रेस के सचिन जी को, उन्होंने वहां ठगा पाया अपने आप को, वो दोनों भाई आपस में नूरा कुश्ती खेलते रहे, उनका आपस का मसला है अपना कोई। आम वोटर ने तो कांग्रेस में विश्वास करके वोट दिया, और बीजेपी के वोटर ने, मोदी जी ने ये कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, उनकी बात पे यकीन करके वोट दिया। लेकिन यहाँ पर टोंक में आप खुद घूमिएगा, अचीवमेंट के नाम पे जौनपुर जाना पड़ेगा, जिसमें मेरा व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छे, अचीवमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब आप भारत माता की जय लगाओ, उसके पिता की, इसकी माता की जय, ये अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपके बच्चे को आप 10th क्लास में पढ़ाओगे, उससे पूछोगे बेटा तेरे परसेंटेज कितनी आई, कहे पापा परसेंटेज मत पूछो, भारत माता की जय, उदास बात, उसका बाप पूछ सकता है परसेंटेज क्या है। बीजेपी के लोगों ने भरपूर मात्रा में वोट दिया है, और लोग नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है, लेकिन जोनपुरिया जी से पूछ सकते हैं कि जोनपुरिया 10 साल में आपने क्या किया, लेकिन फिर मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे। देशी जनता पागल है, ये तो जनता को तय करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, जनता वोट दे रही है, जनता वोट दे रही है मोदी विश्वास करके, इसमें कोई दोराय नहीं है, मोदी विश्वास करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।